नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। चांदन प्रखंड मुख्यालय के जीविका कार्यालय में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुआ विकास पर जागरूकता मेला का आयोजन बुधवार को हुआ। इसका उद्घाटन दीप जलाकर वीडियो दुर्गा शंकर, सीओ प्रशांत सांडेली और प्रमुख रवीश कुमार ने किया। इस अवसर पर जीविका कार्यालय के सभी पद अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस मेले में बांका जिले के कई प्रखंडों से युवाओं रोजगार की तलाश में पहुंचे और सभी ने अपना निबंधन कराया। व्यापक प्रचार प्रसार के कारण इस मेले परिसर में काफी भीड़ जमा हुई। धीरे धीरे युवाओं में 1329 आवेदन जमा हो गए। इसकी जांच 20 लोगों को रोजगार के लिए चयनित किया गया। शेष के कागजात की जांच और उनके आवेदन की जांच के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। अगर हुए चयन के योग हुए तो उनको इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों से उसका मोबाइल नंबर ले लिया गया है। इस मेले में कुछ देर के लिए उप विकास आयुक्त रवि प्रकाश भी उपस्थित हुए। उन्होंने रोजगार और व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त किया, साथ ही लोगों को मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया। कई पंचायतों में बड़ी संख्या में युवाओं को यहाँ बुलाया था ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए जागरूक करने की व्यवस्था की गई थी। लोगों को रोजगार के लिए भी प्रेरित किया गया। मेले में उमड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां लगातार बढ़ने से सरकार लोगों को सतर्क कर रही है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप लोग पर ऐसा कैसे चलेगा। इसका ताजा उदाहरण बुधवार को चांदन जीविका कार्यालय में रोजगार मेले में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उद्घाटन के अवसर पर खुद वीडियो दुर्गा शंकर, सीओ प्रशांत सांडेली, प्रमुख रवीश कुमार आदि पदाधिकारी भीड़ के बीच से होकर मंच पर गए। खचाखच भरे पंडाल में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था, साथ में सैनिटाइजर और हाथ धोने की भी कोई व्यवस्था पंडाल में नहीं थी, जिससे आम लोग निर्भय होकर पंडाल में गए और आए, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि डीडीसी के आने के बाद कुछ पदाधिकारी ने मास्क जरूर लगाया। जब खुद सरकारी पदाधिकारी नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आम जनता पर इसका क्या असर होगा। तो ये फॉक्सकॉन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे वो सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं और उसका एक असेंबली यूनिट होता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रोल होता है असेंबली मेंबर का, तो उनके लिए सारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। उनको सैलरी भी लगभग 9 से 11 हज़ार रुपये आएगा। और दूसरा चीज़ जो रहना और खाना है ये सारा कुछ ऑन कंपनी बेसिस पे होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं कंपनी को। इसमें दो तरीके का प्रशिक्षण पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे PIA और हमारा RCT, ठीक है, ये हमारा दो PIA जो GS टेक्नो और स्वातीर्था चैरिटेबल है, इनका प्रशिक्षण हमारा बांका स्थित जो सेंटर है वहाँ पर होगा। और जो तीसरा ट्रेनिंग सेंटर है वो हमारा सेफ एडुकेट है, जिसका ट्रेनिंग सेंटर पटना में है। और जो ये ट्रेनिंग होते हैं ये ट्रेनिंग 6 महीने का होता है। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता के द्वारा बेलहर थाना का निरीक्षण किया गया। इसमें उन्होंने गार्ड के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की चार दीवारी, थाना भवन, पुलिसकर्मी क्वार्टर सुसंगत द्वारा विस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कार्यालय एवं स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। थाना परिसर को साफ सुथरा रखना, रजिस्टर पंजीकरण एवं पंजी को रख रखाव को बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस मौके के अलावा समीक्षा की गई, कई दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही साथ पंचायत चुनाव एवं होली को लेकर थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों को क्षेत्र के चिन्हित अपराधियों पर गतिविधियों के अलावे उन पर नजर रखेंगे तथा इनके विरुद्ध सुसंगत द्वारा विस्तारित करने को निर्देश दिया गया। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के SDO के पुराने कार्यालय स्थित कैश शाखा से अज्ञात अपराधियों ने चौकीदार को बंधक बनाकर 17 लाख रुपए की डकैती कर ली है। घटना के बाद बंधक बनाए गए गार्ड कहलगांव निवासी ज्योतिष राय ने घटना की सूचना बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही देर रात नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गोपालपुर और नौगछिया थाने की पुलिस ने छानबीन प्रारंभ किया, जबकि सुबह खुद नौगछिया SP ने घटनास्थल का जायजा लिया। कांड का उद्भेदन करने के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित किया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर चौकीदार ज्योतिष राय, प्राइवेट वॉचमैन नारायणपुर के नहनकार निवासी कुंदन यादव को हिरासत में ले लिया है, जबकि कैश शाखा के कैशियर उपेंद्र कुमार से भी पुलिस ने सघन पूछताछ की है। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर पुलिस अनुसंधान शुरू कर चुकी है। जानकारी मिली है कि 3 दिनों से बैंक बंद रहने के कारण 3 दिनों में बिजली विभाग के विभिन्न कार्यालय द्वारा वसूल किया गया है।
बिजली बिल कैश काउंटर में ही रखा था। विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार कुल मिलाकर 17 लाख रुपए की नकदी कैश शाखा की तिजोरी में रखा गया था। कैश काउंटर भवन में ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार ज्योतिष राय ने कहा, रात को ड्यूटी पर एक वॉचमैन के साथ उनकी ड्यूटी थी, लेकिन शाम में ननकाना निवासी कुंदन कुमार ने कहा उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह घर जा रहा है। देर रात चौकीदार ज्योतिष राय भवन में अकेले थे। चौकीदार ज्योतिष ने कहा कि भवन का मेन गेट बंद था, वे कैश शाखा के बगल वाले कमरे में ही सो रहे थे। देर रात 4 अपराधी उनके कमरे में आ गए और एक अपराधी ने उसके कनपट्टी में हथियार सटाकर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने कैश शाखा के कमरे का ताला तोड़, फिर तिजोरी का ताला तोड़कर सारा रकम ले लिया। चौकीदार ने कहा कि अपराधी छत के रास्ते से ही घुसे थे और छत से कूदकर ही भाग गए। चौकीदार ने कहा कुछ देर बाद जब सभी अपराधी मौके से भाग गए तो उसने मौके से ही बिजली विभाग के पदाधिकारियों को घटना की सूचना दी। इधर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार के निर्देश पर घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। मारवाड़ी महाविद्यालय में नवनिर्मित महिला विंग का निरीक्षण करने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, मारवाड़ी पाठशाला समिति के महामंत्री राम गोपाल पोद्दार, मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्तीय कमेटी के अध्यक्ष सज्जन कुमार किशोर पूरिया, मारवाड़ी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। वहीं कुलपति ने बने हुए भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा, मारवाड़ी पाठशाला समिति के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिला विंग की स्थापना की गई है, वह एक अनोखी पहल है। महिला विंग मॉडल महाविद्यालय के रूप में विकसित हो, इसको लेकर बिहार सरकार व राजभवन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा और जल्द से जल्द इसे चालू करने का प्रयास किया जाएगा। आज मैंने मारवाड़ी महाविद्यालय की जो नई विंग बनी है, मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये महाविद्यालय देखा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जिस उत्साह के साथ बनाया गया है और सारी सुविधाएं इसमें हैं, हम इस महाविद्यालय को आगे ले जाएंगे और सरकार से भी बात करके मैं अवश्य चाहूंगी कि अभी फिलहाल तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन ही जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, ये सक्षम है और मैं इस महाविद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मॉडर्न महाविद्यालय के लिए किस तरह से कहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है मॉडल महाविद्यालय महाविद्यालय और एक है मॉडर्न महाविद्यालय। तो आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का कंसेप्ट चेंज हो गया है। वी आर हैविंग स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटराइजेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी सहूलियतें ये आजकल मॉडर्न उसमें महाविद्यालयों में होती हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस महाविद्यालय भी उसी दिशा में जाए और जितना इसमें पोटेंशियल है, किसी भी महाविद्यालय को एक मॉडल महाविद्यालय के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रिज्यूम कि अगर हम इस महाविद्यालय को मॉडल महाविद्यालय बनाएंगे तो हमें ये चीजें इसमें और करनी है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।